हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके अंडरले ऑब्जेक्ट होते हैं उसको आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। कि पे सबसे पहले तो बता देता हूँ अंडरले ऑब्जेक्ट होता क्या है। अभी आप लेवल वन पे हो, जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सारा लेवल वन पे जो बना हुआ है वो दिखाई दे रहा है, ये आपका प्लान है। जैसे आप लेवल टू पे जाते हो तो जो लेवल टू पे बना हुआ है वो दिखाई देता है, और जो उसके नीचे का होता है वो आपको देखो डल कलर में नजर आते हैं। ये होता है अंडरले, कि उसके अंडर क्या दिखे। अगर मैं यहाँ पे अंडरले पे जाके लेवल टू पे हूँ, यहाँ पे अंडरले अंडरले पे आपका लेवल वन दिखाई दे रहा है, अगर मैं नन कर दूँ तो नीचे का दिखना बंद हो जाएगा बिल्कुल। ओके, अब जैसे ही मैं लेवल थ्री पे जाता हूँ तो लेवल टू का मेरे को यहाँ पे अंडरले पे दिखाई देता है, अगर मैं इसको नन कर देता हूँ तो वो दिखना बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो एक लेवल नीचे का हमें दिखाई देता है, वो हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि लेवल थ्री देखना है या लेवल वन देखना है मुझे इसके नीचे, या लेवल टू देखना है, वो आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जो ये अब ये नीचे की तरफ बना हुआ है, लेवल टू पे बना हुआ है, तो इस वॉल को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। हम लेवल थ्री से उसी वॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी लेवल थ्री पे बनी हुई है, बट उससे नीचे की जो भी वॉल है वो हमें शो तो होगी बट हम उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, अगर हमें ये वॉल सिलेक्ट करनी है तो हम इसको किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। सिंपल, आपको यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन है, उसके नीचे सिलेक्ट का ऑप्शन है, क्लिक ऑन सिलेक्ट, और यहाँ पे आता है सिलेक्ट अंडरले एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अनचेक है, तो इसे आप चेक कर दें। जैसे ही आप चेक करोगे तो आप देखोगे अंडरले ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर पाएंगे। क्लियर है? अब आपका कोई भी अंडरले ऑब्जेक्ट होगा उसे आप सेलेक्ट कर पाएंगे। सेलेक्ट क्लिक करके अगर आप इसे अनचेक कर दोगे तो अंडरले ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करके सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। ये तो होता है कि आप यहां से स्विच कर सकते हो सेलेक्ट अंडरले ऑब्जेक्ट को। और एक होता है कि जैसे ही मान लो मेरे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है, मान लो मैंने कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया और एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे प्लेस किया, या फिर किसी भी चीज को, अगर हम किसी भी चीज को सिलेक्ट करके पिन कर देते हैं तो ये मेरा पिन हो गया। अब मैं पिन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ बट मैं मूव नहीं कर पाऊंगा या डिलीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये पिन है। अगर मैं इसे अनपिन कर दूं अब मैं इसे मूव कर पाऊंगा। अब पिन करने के बाद अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जो ऑब्जेक्ट पिन है मैं उसे सेलेक्ट भी ना कर पाऊं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट पिंड एनी एलिमेंट्स, इसको आप अनचेक कर दें तो आप अपने पिंड ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये होता है आपका, यहां से आप सेलेक्ट कर पा रहे हो, यहां से आप परमिशन दे रहे हो। किस किस चीज की परमिशन है? सेलेक्ट लिंक, सेलेक्ट अंडरले एलिमेंट, सेलेक्ट पिंड एलिमेंट, सेलेक्ट एलिमेंट बाई फेस, जो फेस के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं उनको सेलेक्ट करें या ना करें, ड्रैग एलिमेंट ऑन सिलेक्शन, सिलेक्शन पे आप एलिमेंट को ड्रैग करके लेके जा सकते हैं या नहीं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर मैंने ड्रैग एलिमेंट ऑन सिलेक्शन को अनचेक कर दिया तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ड्रैग करके मूव नहीं कर पाऊंगा। अगर मान लो अनपिन भी कर दिया तो भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक एंड ड्रैग करके ऐसे मूव नहीं कर पाऊंगा। मैं डायरेक्टली क्लिक करें मूव का ऑप्शन आएगा तब आप मूव कर पाओगे। अगर मैं इसे ऑन करता हूं तो ऐसे क्लिक करके आप एकदम से आप यहाँ पे ड्रैग करके मूव कर पा रहे हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ से कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मोटिवेशन दें मुझे, और मैं इस तरीके की वीडियो और भी आपके लिए लेके आऊँ, और मैं स्टूडेंट डाउट सॉल्विंग वीडियोस भी अब आपके लिए जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।